बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सुनाया अपने दलित होने का दर्द। जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस उपचुनाव के दौरान मंदिर में गए, उस मंदिर में उनके जाने के बाद न सिर्फ मूर्ति को धोया गया, मंदिर को भी धोया गया। यह उपचुनाव के सिलसिला में मधुबनी गए, बड़ा शौक से एक मंदिर में लोग ले गया। हमको पता नहीं थी ये बात, लेकिन बाद में हमको बताया राम लखन जी रमन जी कि आपके जाने के बाद मूर्ति को धोलाया गया, उस घर को धोलाया गया। अब सोचिए कहां हम हैं। हम खड़ा होते हैं, काम के लिए आता है तो पैर छूके प्रणाम करता है। शेड्यूल कास्ट के लोग पैर छूके प्रणाम नहीं करेगा, लेकिन जो काम लेने वाला है वो सबसे पहले साथ काम करने लग जाता है। जातिवादी सोच रखने वाले जब बिहार के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा बर्ताव करते होंगे तो इससे भी ज्यादा शर्मनाक स्थिति तो उन दलितों की होगी जो आम दलित हैं।